हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 6 हिंदी बाल राम कथा से चैप्टर 3 दो वरदान की क्विज़। इससे पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन का वीडियो डाल चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। राम के विवाह के बाद राजा दशरथ के मन में क्या इच्छा थी, चंस को देखेंगे। राम को अयोध्या का युवराज पद देने की, राम को चित्रकूट भेजने की, या फिर राम को विश्वामित्र के साथ भेजने की, इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है राम को अयोध्या का युवराज पद देने की। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। राम के किन गुणों से सभी लोग प्रभावित थे? राम में ऐसे कौन कौन से गुण थे जिसके कारण सभी लोग उनसे प्रभावित थे, चाहे वो मंत्रीगण हो या फिर प्रजा हो या फिर सारे दरबारीगण। अब देख लेते हैं इसके ऑप्शंस को। विद्वता, नम्रता, विनम्रता और पराक्रम, या फिर ये सभी। इसका जो सही जवाब है वो है ये सभी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दशरथ ने राम का राज्याभिषेक की बात का विचार विमर्श किससे किया? दशरथ चाहते थे कि वो राम का राज्याभिषेक करें, राम को अयोध्या का युवराज बना दें। तो इसके लिए उन्होंने विचार विमर्श किससे किया? ऑप्शंस देखेंगे, मुनि वशिष्ठ से, रानी केकई से, रानी कौशल्या से। इसका जो सही जवाब है वो है मुनि वशिष्ठ से। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। राज्याभिषेक की घोषणा के समय भरत और शत्रुघ्न कहाँ थे? इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। अयोध्या में, अपने नाना कैकेयी राज के यहाँ, या शिकार खेलने वन में। इसका जो सही जवाब है वो है अपने नाना कैकेयी राज के यहाँ। जब राम के राज्याभिषेक की घोषणा की गई उस समय भरत और शत्रुघ्न अपने नाना कैकेयी राज के यहाँ थे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मंथरा कौन थी? ऑप्शंस देखेंगे, भरत की माता, केकई की दासी, या फिर सुमित्रा की दासी। इसका जो सही जवाब है वो है रानी केकई की दासी। जो मंत्रा थी वो रानी केकई की दासी थी। और भरत की माता का क्या नाम था? तो जो भरत की माता थी उनका नाम केकई था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मंत्रा को राम के राज्याभिषेक की बात किससे पता चली? ऑप्शंस देखेंगे, सुमित्रा की दासी से, कौशल्या की दासी से, या फिर राम से। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, कौशल्या की दासी से। मंत्रा को राम के राज्याभिषेक की बात कौशल्या की दासी से पता चली, क्योंकि मंत्रा बहुत ही हैरान हो रही थी कि महल में इतनी चहल पहल क्यों हो रही है और पूरे महल को इतना अच्छे से क्यों सजाया जा रहा है। उसको ये बात कौशल्या की दासी से पता चली थी। राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर केकई ने प्रसन्न होकर मंत्रा को क्या दे दिया? ऑप्शंस देखेंगे, 10 स्वर्ण मुद्राएं, अपने गले का हार, अपने वस्त्र। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, अपने गले का हार। राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर रानी केकई बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्होंने अपने गले का हार उतार करके मंत्रा को दे दिया, अपनी दासी को दे दिया। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को।
राम के राज्याभिषेक की बात मंथरा को कैसी लगी। जैसे ही मंथरा ने राम के राज्याभिषेक का समाचार सुना तो उसको कैसा लगा। ऑप्शंस देखेंगे, बहुत अच्छा, षड्यंत्र, ना तो वे खुश हुई ना ही दुखी हुई। इसका जो सही जवाब है वो है षड्यंत्र। मंथरा को राम के राज्याभिषेक की बात षड्यंत्र लगी क्योंकि वो चाहती थी कि केकई का पुत्र भरत राजगद्दी पर बैठे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर गुस्से में केकई कहाँ चली गई। पहले तो केकई बहुत प्रसन्न हुई थी और वो इतनी प्रसन्न हुई थी कि उन्होंने अपना हार उतार कर मंथरा को दे दिया। लेकिन बाद में मंथरा के भड़काने पर उन्हें बहुत ही गुस्सा आ गया था। उसके बाद वो कहाँ गई थी। ऑप्शन देखेंगे, कोप भवन में, अपने पिता के घर, या फिर सरयू के तट पर। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, कोप भवन में। राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर गुस्से में केकई कोप भवन में चली गई। वहाँ पर उसने मैले वस्त्र पहन लिए थे, अपने बाल बिखेर लिए थे और अपने आभूषणों को इधर उधर फेंक दिया था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। राजा दशरथ शुभ समाचार देने के लिए सबसे पहले किस रानी के कक्ष की ओर बढ़े। ऑप्शन देखेंगे, रानी सुमित्रा के कक्ष की ओर, ऑप्शन 2, रानी केकई के कक्ष की ओर, ऑप्शन 3, रानी कौशल्या के कक्ष की ओर। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, रानी केकई के कक्ष की ओर। राजा दशरथ अपनी रानी केकई से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए वो सबसे पहले शुभ समाचार देने रानी केकई के कक्ष की ओर जा रहे थे। वो उन्हें बताना चाह रहे थे कि उन्होंने राम को युवराज का पद देने की घोषणा कर दी है। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ, यह किसने किससे कहा। ऑप्शंस देखेंगे, राम ने सीता को, लक्ष्मण ने अपनी पत्नी उर्मिला को, राजा दशरथ ने रानी केकई को। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, राजा दशरथ ने रानी केकई को कहा कि तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। केकई ने दशरथ से कितने वर मांगे थे। ऑप्शंस देखेंगे, 2 वरदान मांगे थे, 3 वरदान मांगे थे, या फिर 4 वरदान मांगे थे। आपके लिए इसका आंसर देना तो बहुत ही इजी हो गया क्योंकि इस चैप्टर का नाम भी 2 वरदान है। तो इसका जो सही जवाब है वो है 2 वरदान। रानी केकई ने दशरथ से 2 वरदान मांगे थे। पहले में उन्होंने मांगा कि भरत को राजगद्दी दी जाए और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है, यह बात किसने किसको कही। ऑप्शंस देखेंगे, राम ने राजा दशरथ से, रानी केकई ने राजा दशरथ को, या फिर राम ने भरत को। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, रानी केकई ने राजा दशरथ को। राजा दशरथ राम से बहुत प्यार करते थे और उन्हें ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी कि रानी केकई उनको 14 वर्ष के वनवास के लिए भेजना चाहती हैं। इसीलिए वो बार बार रानी केकई को मनाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए रानी केकई ने राजा दशरथ से कहा कि अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है क्योंकि रघुकुल में ये रीत चली आ रही है कि प्राणों की आहुति देकर भी अपने वचन की रक्षा की जाती थी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। राजा दशरथ किसका राज्याभिषेक करना चाहते थे। ऑप्शंस देखेंगे, भरत का, राम का, या फिर शत्रुघ्न का। इसका जो सही जवाब है वो है राम का। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
भरत को कहाँ की घटनाओं की जानकारी नहीं थी। ऑप्शंस देखेंगे, लंका की, अयोध्या की या फिर आश्रम की। जब राम के राज्याभिषेक की घोषणा की गई तो भरत और शत्रुघ्न अपने नाना के कई राज के यहाँ थे, तो उन्हें अयोध्या की किसी भी घटना के बारे में जानकारी नहीं थी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। रानी के कई की मुंह लगी दासी का क्या नाम था? ऑप्शंस देखेंगे, मंत्रा, कविता या फिर राधा। इसका जो सही जवाब है वो है मंत्रा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। केकई राज के यहाँ कौन गया हुआ था? ऑप्शंस देखेंगे, राम और लक्ष्मण, राम और भरत, भरत और शत्रुघ्न। इसका जो सही जवाब है वो है भरत और शत्रुघ्न। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। केकई के अनुसार अपने वचन से पीछे हटना किसका अनादर है? ऑप्शंस देखेंगे, राजधर्म का, रघुकुल का या फिर राजा का। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, रघुकुल का। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्राणों से प्यारा होना यह एक मुहावरा है, इसका क्या अर्थ हो सकता है? ऑप्शंस देखेंगे, बहुत अधिक प्रिय होना, किसी के प्राण दे देना या फिर दोनों। इसका जो सही जवाब है वो है बहुत अधिक प्रिय होना। इसका हम वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? इसका हम वाक्य प्रयोग इस तरह से कर सकते हैं कि जो राम थे वो दशरथ को प्राणों से भी प्यारे थे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मंत्रा के भड़काने पर रानी के कई कौन से भवन में चली गई थी? ऑप्शंस देखेंगे, रनिवास में, कोप भवन में या फिर अपने मायके। इसका जो सही जवाब है वो है कोप भवन में। मंत्रा के भड़काने पर रानी के कई कोप भवन में चली गई थी। रनिवास किसको कहते हैं? रनिवास कहते हैं रानी का निवास, यानी जहाँ रानियाँ रहती हैं उसको रनिवास कहा जाता है। लेकिन रानी के कई मंत्रा के भड़काने पर बहुत ही क्रोधित हो गई थी और वो क्रोधित होकर के कोप भवन में चली गई थी। आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।